अरे यार ये सब बहाने हैं, जिसको सीखना होता है वो घर बैठे भी क्रैक कर लेता है, जिसको नहीं सीखना होता है वो ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन मीडियम के थ्रू भी कुछ नहीं कर पाता। हो गए कॉलेज ओपन, हो गए यार तुम सबका जितना भी ड्रामे थे, कैंपेन चलाएंगे, ट्विटर पे करेंगे, इसके बाद मान लो उसको फॉलो कर लो, अब ये करेंगे वो करेंगे, सब खत्म हो गया यार तुम्हारे हाथ में। आज ये आ गया कि हमारे कोविड केसेस ऑलमोस्ट 230,000 आए हैं कल रात को, और ये ऑफिशियल फिगर है। ऑफिशियल फिगर का मतलब समझते हो ना क्या बोल रहा हूँ, मतलब 230,000 इज एन ऑफिशियल फिगर। अभी तो अनऑफिशियल के बारे में हमें पता ही नहीं कितने केसेस आ रहे हैं पर डे। अगर इसमें भी अगर तुम्हारे पास अभी तक बहाने इंटैक्ट है ना कि नहीं नहीं हमें तो ऑनलाइन में मजा ही नहीं आ रहा, हमें तो ऑफलाइन पढ़ना है यार, कॉलेज रीओपन कराओ, लाइब्रेरी रीओपन करवाओ, हमें यहां जाना है, हमें वहां जाना है, अब एक लद्दाख जा रही है ट्रिप, अब एक मनाली जा रही है ट्रिप, अगर तुम्हें अभी भी इन सब बातों में पड़े रहना ना तो याद रखना तुम्हारा फ्यूचर कभी सेफ नहीं हो पाएगा। तुम्हारा क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली का फ्यूचर एट स्टेक होने को हो रहा है यार इस समय। इस समय जान भैया जान बची तो लाखों पाए, अभी तुम कॉलेज जाने की बात कर ही नहीं सकते। तुम कहोगे आउट ऑफ नो वेयर आप ये टॉपिक कहाँ से लेके आ गए हो, ये टॉपिक इसे लेके आ गए क्योंकि तुम्हारे हैशटैग्स, ये जो तुम्हारे हैशटैग्स और ये कैंपेन चला दो, ये ट्विटर पे ये कर लो, तुमने कितना टाइम खराब किया इसके ऊपर अपना, तुम्हें पता है ये बात। अब ये हो गया है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये नोटिफिकेशन आ गई है, अब कॉलेज में ये हो गया है, प्रोफेसर स्ट्राइक पे चले गए हैं, अब ये है, अब कॉलेज एडमिशन शुरू हो गए हैं, अब फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, मेरे कितना रिजल्ट आने वाला है। तुम अपना खुद का माइंड देखो एक बार, परखो अपने आप को और अपना स्केड्यूल नापना, तुम कितना प्रोडक्टिव बना रहे हो, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी किस लेवल पे मच्योर हो रही है उसका कभी तुमने ध्यान दिया है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तुम सबका यार एक ही रोना है, एक ही रोना है, बस कॉलेज खुलवा दो, कोविड केसेस हो रहे कोई बात नहीं, लॉकडाउन लग गया कोई बात नहीं, उन एरियाज को समझो जहां पे एम्बुलेंस नहीं है, उन एरियाज को समझो जहां पे डेथ केसेस हो रही हैं। यूपी के सीएम को हुआ, यूपी के एक्स सीएम को हुआ, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया बोर्ड्स कैंसिल कर दो, क्लास 10 के बोर्ड्स कैंसिल हो गए इस चक्कर में, मतलब इट इज हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ऐसा। तो यार इसका रिपरकशंस तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहे तो कब समझ आएंगे मेरे भाई। अभी भी अगर तुम रट लगाए बैठे हो ना कि नहीं हमें तो एडजस्ट होना ही नहीं है, ऑनलाइन एडजस्टमेंट नहीं करना है, ऑफलाइन ही हम तो उसी अपने बबल में रहेंगे, नहीं नहीं मैं तो ऑफलाइन के लिए बनाऊं जी, ऑनलाइन तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ये बोल रहे हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा तो ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकता। तो यार नहीं पढ़ सकता ना तो आपका बच्चा फिर पीछे रह गया है। मैं सिर्फ तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी यहां पे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूं कि अगर तुम अपने आप को ऑनलाइन मीडियम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो यू आर अ फेलियर। कॉलेज में सीखे कैसे, पीयर टू पीयर लर्निंग तो हो नहीं रही, हम कॉलेजेस के प्रोफेसर से आसपास इंटरेक्शन तो कर नहीं पा रहे। अरे यार ये सब बहाने हैं, जिसको सीखना होता है वो घर बैठे भी क्रैक कर लेता है, जिसको नहीं सीखना होता वो ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन मीडियम के थ्रू भी कुछ नहीं कर पाता। तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, जो समझदार है वो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे पास अभी भी बहाने ही है ना सिर्फ कि नहीं यार देख लेंगे, अभी तो हम कोविड बैच है, एक बहुत बड़ा टर्म चल रहा है कोविड बैच, हम तो कोविड बैच है जी, कोविड बैच को एक अलग से एग्जम्पशन मिलेगी, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जब तुम्हारे जॉब्स हो रहे होंगे, जब तुम्हारे इंटरव्यूज हो रहे होंगे, ऑनलाइन हो रहे होंगे, जूम पे तुम्हारे इंटरव्यूज हो रहे होंगे ना, तब तुम हैरान कर जाओगे कि यार मेरी कॉलेज लाइफ पूरी चली भी गई, मेरे जूम पे इंटरव्यू शुरू भी हो गए हैं और मैंने बस इस काम में, इस बात पे अपना समय व्यर्थ कर दिया, समय खराब कर दिया कि नहीं यार अब तो कॉलेजेस खुलने वाले हैं, अब कोविड केसेस कम हो जाएंगे, सेकेंड वेव हमारी आ चुकी है। ये एक वेकअप कॉल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक लेटे हुए हैं, जो अभी तक सो रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं यार अभी तो हमारा सेमेस्टर खत्म हुआ है, अब तो हम एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अरे ऑफलाइन नहीं, हम तो एक साल का ड्रॉप ले लेंगे। नो मैटर तुम किसी भी ईयर में हो, तुम्हारा एटीट्यूड इस समय इन जनरल बता रहा हूं, डेडिकेटेड लोग अलग ही होते हैं, वो ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूं, अगर तुमने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द न्यू टेक्नोलॉजी, टुवर्ड्स द न्यू लर्निंग हैबिट्स, अगर तुमने अपना जो लिसनिंग पावर है वो स्ट्रांग नहीं करी है तो तुम्हारा यार पूरा का पूरा करियर एट स्टेक हो जाएगा। एक जनरेशन जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ऑफस्प्रिंग होगा, मेरा जो बेटे होंगे बेटी होंगी, वो मेरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। एक नेक्स्ट जनरेशन को हमेशा बेटर परफॉर्म करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम इन फ्यूचर इंक्रीज कर रहे होगे अपने फैमिली मेंबर्स का। पर अगर तुम अभी भी इसी बात पर अटके रहोगे नहीं नहीं हमारी इकोनॉमी तो पिछले 10 साल पीछे चली गई है, कोविड केसेस इतने हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, घर में हमारे बीमार पड़े हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है, वो करो, पर यार तुम अपना सेल्फ ग्रोथ के ऊपर रोक मत लगाना इस चक्कर में कि ऑफलाइन सीखेंगे और ऑनलाइन हम नहीं सीख पाएंगे। ऐसा अगर माइंड में जो तुमने बिठा लिया वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाला रास्ता।
जो अटेंशन स्पैन है वो यूथ का, जो तुम्हारा जो तुम्हारी जनरेशन है उसका बहुत कम होता जा रहा है। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है, उस पर काम करना शुरू कर दो। कैसे काम करना है, क्यों काम करना है, क्यों काम करना है मैंने सिखा दिया, कैसे काम करना है उसके बारे में अलग से हम बात कर लेंगे। अभी के लिए ये समझो, ऑनलाइन को एक्सेप्ट करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। अगर नहीं स्टार्ट किया तो मैं बता रहा हूँ कर दो। एकेडमिक्स की वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ए टू जेड इसी चैनल पे लॉन्च होने वाली है। पूरी मेहनत चल रही है 15 डेज की। अब हमारे पास फैकल्टीज यार आ गई हैं, तुम सबके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे ही एग्जाम्स आएंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, सीवी बिल्डिंग हो, वो सारा का सारा तुम्हें इसी चैनल पे मिल रहा होगा। जल्दी मिलते हैं, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ और समझो और काम करना शुरू कर दो। Have a good one. Bye bye.